हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस प्रॉब्लम है तो ब्राइटनेस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पे। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस प्रॉब्लम है तो ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि जो आइकन है शो हो रहे हैं, इसमें से आपको क्लिक कर देना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ पर सर्च करते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, हमने सर्च कर लिया। सर्च करते ही हमारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी जहाँ से आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राइटनेस प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी ब्राइटनेस लेवल है ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगी और ब्राइटनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो अपने फ़ोन सेटिंग्स में जाकर भी आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ब्राइटनेस प्रॉब्लम हमारी तो इसको ऑफ करेंगे तो सॉल्व हो जाती है हमारी। जैसे इसको इंक्रीज करके आप इसको ऑन करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ से। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन ऑफ करना चाहते कर सकते हैं, या फिर आई प्रोडक्शन भी ऑन ऑफ करना चाहते कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।